बता दें कि बिहार के पटना से सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पटना में चिराग पासवान बोले, समय से पहले होगा विधानसभा का चुनाव, संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में समय से पहले होगा विधानसभा चुनाव। LJPR नेता ने संकल्प यात्रा को रवाना किया। बता दें कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को श्री कृष्णापुरी में प्रदेश पार्टी कार्यालय से संकल्प यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर पासवान ने कहा कि 25 नवंबर तक यात्रा चलती रहेगी। 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली होगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन सरकार के अंदर विरोधाभास और वर्चस्व की लड़ाई जारी है। चिराग ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। हर बूथ तक पार्टी का कैडर पहुंचे, इसकी कोशिश है। जहां स्थिति कमजोर है उसे भी मजबूत किया जाएगा। संकल्प यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी मौजूद रहेंगे। हर जिले में एक दिन की यात्रा होगी। मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है। बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के दिशा निर्देशानुसार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा कार्यक्रम की सफलता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना है कि पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रमुख नेता बुधवार को शिवहर पहुंच रहे हैं और सभी मौजूद रहेंगे। शहर स्थित महादेव विवाह भवन में पार्टी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व पूर्व MLC हुलास पांडे, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश सीमान पासवान और प्रिंस पासवान, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शोभा सहित सभी मौजूद रहेंगे। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति प्रदेश जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान, पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा गांधी इंदिरा देवी, किसान प्रकोष्ठ के सुरेंद्र ठाकुर, चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर अजय कुमार सहित सभी प्रमुख नेता भाग लेंगे। इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे ने दी है। वहीं बताया गया है कि अब पहला मौका है जब प्रदेश स्तरीय नेताओं की इतनी बड़ी टीम शिवहर पहुंच रही है। उन्होंने पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों, प्रभारी, प्रधान महासचिव, मीडिया प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष व पार्टी कार्यकर्ताओं को बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया है। जिलाध्यक्ष श्री पांडे ने बताया कि आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो बताने की चिराग पासवान ने ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि समय से पूर्व विधानसभा का चुनाव बिहार में हो सकता है, जिसके लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार में और महागठबंधन की सरकार में विरोधाभास के स्वर धीरे धीरे उठ रहे हैं और हो सकता है कि समय से पूर्व विधानसभा का चुनाव हो जाए, जिसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसी इंतजार में है कि आखिर विधानसभा का चुनाव कब हो रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।